हेलो एवरीवन सार्थक डिसाइड फ्रॉम प्लैनेट स्टडी आई वेलकम यू ऑल टू द सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2020 वीडियो फॉर प्राइवेट स्टूडेंट्स डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपसे रिलेटेड सीबीएसई की वेबसाइट पर आ चुका है ऑन थर्टीथ अगस्त सो so, पूरा वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे ए टू जेड सारे पॉइंट्स का प्लीज ये वीडियो पूरा देखना और सारे लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा सो so, बात करते हैं पहले सबसे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म की ये जो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप इसमें कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन डालते हो तो जो आपकी फीस है वो फोरफिट कर ली जाएगी और आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर लिया जाएगा

राइट प्रीवियस मार्कशीट इज नॉट टू बी सिलेंडर बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स का हमारी पुरानी मार्कशीट सरेंडर होनी है नहीं होनी है नहीं होनी है इज नॉट टू बी सिलेंडर टू द बोर्ड कैंडिडेट्स का जो सिलेबस था ना एग्जाम एग्जाम का उसी के बेसिस पर आपका कंडक्ट होगा कुछ माइनस प्लस उस सिलेबस में नहीं हुआ है राइट कॉन्सोलीट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विल नॉट बी इश्यूड टू कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट आर ऑलरेडी पास जिनके रिजल्ट में पास लिखा हुआ है एंड आर नाउ अपियरिंग फॉर इंप्रूवमेंट

में आपके बोर्ड एग्जाम होंगे जो नेक्स्ट ईयर के हैं राइट right? अगर आपको कोई क्वेरी है कोई भी डाउट होता है तो आप सीबीएसई के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हो 1800118002 और ये सेकंड नंबर भी आप अपने स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हो ये चलता है सिर्फ वर्किंग डेज में दैट इज मंडे टू फ्राइडे 10 एएम टू 5 पीएम राइट अब बात करते हैं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्लास 12th स्टूडेंट्स थ स्टूडेंट जिनकी कैटेगरी है प्राइवेट फेबर मार्च 2020 में फेब्रवरी मार्च 2020 में फेब्रवरी मार्च 2020 में राइट right? उनके रिजल्ट में लिखा है कंपार्टमेंट और वो कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल थे वो इस बार इस कंपार्टमेंट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं क्लियर सेकंड कैटेगरी है प्राइवेट स्टूडेंट्स जिनके पास सिक्स सब्जेक्ट्स थे और उनको कंपार्टमेंट कैटेगरी में रखा गया है टू सब्जेक्ट्स में तो वो कोई भी एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते आपके पास हो तो इन टोटल हो, हो जाएगी तो वो वाले स्टूडेंट्स की बात हो रही है कैंडिडेट्स इन सिक्स एंड डिक्लेयर्ड पास बट क्लियर वन सब्जेक्ट कैन अपियर इन मतलब आप कोई भी एक एडिशनल सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए तो आप इस साल उस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो इसके अलावा जो स्टूडेंट्स प्राइवेट कैंडिडेट हैं ऑफ अप्रैल 2019 2019 एक साल पहले उनका जो फर्स्ट कंपार्टमेंट था वो था जुलाई 2019 में वो उसमें फेल हो गए सेकंड चांस था उनका फरवरी मार्च 2020 में वो उसमें भी फेल हो गए मतलब वो एग्जाम हुआ ही नहीं तो अब जो उनका थर्ड चांस होगा वो फाइनल अटेम्प्ट होगा सितंबर 2020 में वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं राइट right? यहां पर खाली बात हुई थी प्राइवेट स्टूडेंट्स की यहां पर अगर रेगुलर कैंडिडेट और यहां पर प्राइवेट कैंडिडेट भी आ गए यहां पर भी आपको अगेन कंपार्टमेंट कंपार्टमेंट एग्जाम उनके रिजल्ट में लिखा हुआ है फर्स्ट चांस उनका था जुलाई 2019 में सेकंड चांस था उनका फेब्रवरी या फिर मार्च ट्वेंटी में इसमें एग्जाम ही कैंसिल हो गए तो वो सारे स्टूडेंट्स भी इस वाले पर्टिकुलर कंपार्टमेंट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं राइट कैंडिडेट हु पनिश अंडर कैटेगरी वन ऑफ यू एफ ए मतलब अनफेरमिन चीटिंग वगैरह के थ्रू अगर आप पकड़े गए हो तो वो सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम भी जो कैंसिल हो चुका था मार्च में वो सारे

तो लेकिन ये कंडक्ट ही नहीं हो पाया तो वो सारे, सारे, वो सारे के सारे के स्टूडेंट्स भी इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए यहां पर अप्लाई कर सकते हैं और अनफेयर मींस के थ्रू जो चीटिंग वगैरह के थ्रू स्टूडेंट्स पकड़े गए थे और उनका एग्जाम कैंसिल हो चुका था वो सारे स्टूडेंट्स भी यहां पर अप्लाई कर सकते हैं राइट तो ये सारी कैटेगरीज थी अब बात करते हैं फीस की नॉर्मल फीस है थ्री हंड्रेड रुपीज पर सब्जेक्ट स्कूल फॉर इंडिया, और इंडिया 2000 रुपीज पर सब्जेक्ट लेट फी आपकी चार्ज होगी आप तो हो आपके पास टोटल डेज है दे अपने फॉर्म फिल करने के कर और अपनी फीस सबमिट करने के लिए अब आपको लेट फीस अप्लाई कब से होगी आप सिर्फ इतना देखो जो आपकी फीस है ना वो अगर 20 अगस्त के बाद आप आ, आ, जो है सबमिट कर रहे हो अपने सीबीएसई की वेबसाइट पर फॉर्म वगैरह डिटेल वगैरह आपने पहले सबमिट कर दी कोई बात नहीं लेकिन जो फीस है अगर आप वो ट्वेंटी अगस्त के बाद सबमिट कर रहे हो तो लेट फी आप पर एप्लीकेबल होगी आपको अपनी फीस ट्वेंटी अगस्त से पहले सबमिट करनी है फिर आप पे कोई भी लेट फीस चार्ज नहीं की जाएगी या फिर ट्वेंटी अगस्त तक भी अगर आपने कर दिया ऑन और बिफोर लिखा है राइट

ड फोटोग्राफ और सिग्नेचर आप यहां पर अपलोड कर सकते हो और उसके बाद जैसे ही आप फी पेमेंट करोगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा जैसे ही आप फी पेमेंट करना आप कैसे कर सकते हो डिजिटली नेट बैंकिंग डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड के थ्रू ऑफलाइन फी जो सीबीएसई है वो इस टाइम एक्सेप्ट नहीं कर रहा है राइट रीजनल ऑफिस जितने भी है ऑफिशियल नोटिफिकेशन है पूरा का पूरा इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा जो भी आपका रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस है वहां पर अगर कोई डाउट आता है ना कॉल करने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉल में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी होंगे आप डायरेक्ट ऑफिस में जाओ ऑफिस पर जाओ आपको कोई भी डाउट है फटाफट से उसको करो और अपना फटाफट से आप यहां पर क्लियर कर सकते हो और सारे प्रोवाइड कर दूंगा आपको बिल्कुल भी घरवाने की जरूरत नहीं आपका कोई भी करियर काउंसिलिंग रिलेटेड डाउट आता है तो आप प्लैनेट स्टडी डॉट इन पर विजिट कर सकते आपके हो वहां पर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कोई फॉर्म रिलेटेड डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन में मैंशन करो मैं फटाफट से कोशिश करूं आपके वीडियो बनाने की नेट स्टडी एंड वी आर हेयर टू हेल्प यू और इसी के साथ ये वीडियो होती है समाप्त धन्यवाद